मीन्स एक कोट को करने हाँ एक कोट को करने के मुख्तलिफ से तरीके होते हैं, उन मुख्तलिफ तरीकों को इम्प्लीमेंट करने को पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं। अच्छा सही है भाई, पॉली का मतलब तुम तो बता सकते हो मुझे क्या होता है? मिस मैनी थिंग्स, मैनी और मॉर्फिज्म मैनी होता है मिस के एक अपने आप को ट्रांजिशन करना या अपनी मतलब जो चेंज मॉर्फ कर लेना करना अपनी मीन्स हाँ खसूसियत। वन वन और मोर फॉर्म्स। रियल लाइफ में कोई एग्जांपल रिलेट कर पाऊँ मैं, मुझे कोई बताए पॉलीमॉर्फिज्म की कोई रियल लाइफ एग्जांपल दो। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पर्सन कैसे भाई? मुस्कान कह रही है, मुस्कान ने दोनों क्वेश्चन के आंसर सही दिए हैं, पॉलीमॉर्फिज्म का भी और उस रियल लाइफ एग्जांपल भी। लेकिन कैसे मुस्कान थोड़ा सा डिस्क्राइब कर। एनीवन इन द क्लास के पास 50 बच्चे बैठे हैं, 46 हैं। कार्बन कैन बी अ डायमंड कैन बी अ कोल, तो ये कैसे होगा? कार्बन कैन बी अ डायमंड कैन बी अ कोल, हम किस बेसिस के ऊपर वो डायमंड बन जाता है, किस बेसिस पर वो कोल बन जाता है? अच्छा कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर हाँ अच्छा कमेलियन सुने जो एक गिरगिट होती है, सुना है? यस एक मिस इनको है, आई एम लाइक योर मदर टीचर एम्प्लॉय एट द सेम टाइम। वाह क्या एग्जांपल दिया मुस्कान ने, सही है। बंदा सेम ही है, कैरेक्टरिस्टिक डिफरेंट है उसकी, राइट। अच्छा कैमिलियन का नाम सुने ना, गिरगिट को हम कहते हैं इंग्लिश में कैमिलियन, उसकी क्या प्रॉपर्टीज होती है? हाँ जी गिरगिट देखिए किसी ने या नहीं यस मिस देखिए, मैम क्या होता है, क्या उसकी क्या करेक्टर कलर अडेप्ट कर लेता है वो दूसरे का। कैसे अडेप्ट करता है वो? अगर पत्ते पे बैठा हुआ होगा, अगर वो दरख्त पे बैठा हुआ होगा कैमिलियन, तो वो क्या करता है, अपनी अपने आप को हरा कर लेगा। फिर वो लकड़ी पे चला जाएगा, वो जब तने पे आ जाएगा दरख्त के, तो वो अपने आप को क्या कर लेगा, ब्राउन कर लेता है। तो वो क्या करता है, अडेप्ट, वो अपने आप को अकॉर्डिंग टू द एनवायरमेंट अपने आप को चेंज कर रहा होता है, राइट। तो कैमिलियन, अगर आपको कोई पूछे कि रियल वर्ल्ड एग्जांपल क्या है, कैमिलियन है। और मुस्कान ने मेरी एग्जांपल दे दी कि भाई मैं क्या हूँ, एट द सेम टाइम मैं मदर भी हूँ, टीचर भी हूँ, स्टूडेंट भी हूँ, सही है, स्टूडेंट भी हूँ, मैं एम्प्लॉई भी हूँ, और मैं सिस्टर भी हूँ, सही है, और मैं एक वाइफ भी हूँ। तो मतलब लाइक लॉट्स ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स आर देयर, राइट। बट क्या है, मैं हर वक्त टीचर बन के बैठी रहती हूँ? नहीं ना, मैं जब तुम लोग के पास आती हूँ तो मैं एक टीचर का रोल प्ले कर रही होती हूँ, राइट। जब मैं अपने घर में होती हूँ तो मैं एक मदर का, वाइफ का, एक मैं डॉटर का, लाइक और एक सिस्टर का, मतलब मुख्तलिफ किस्म के मेरी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। लेकिन ये कैरेक्टरिस्टिक्स मैं कैसे चेंज करती हूँ, अकॉर्डिंग टू माई एनवायरमेंट, राइट। एनवायरमेंट को देखते हुए मैं अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स को चेंज करती हूँ। जैसे आप लोगों को देख लो, यू कैन बी अ स्टूडेंट, अभी मैं फिलहाल मेरे पास क्या बैठे हो, तुम लोग बींग अ स्टूडेंट, राइट। हर वक्त तो पढ़ाकू बच्चे बन के नहीं घूमते तुम लोग, हर क्लास में नहीं बन के बैठते, तो घर वक्त का बनोगे? अब घर में तुम लोग की कैरेक्टरिस्टिक डिफरेंट है, तुम लोग एक बेटे हो गए, तुम भाई हो गए, लाइक डिफरेंट रोल्स होंगे। तुम यू कैन बी अ फ्रेंड, राइट, अपने फ्रेंड सर्कल में बैठे तुम लोग दोस्त हो गए। ऑब्वियसली जब तुम लोग अपने फ्रेंड से इंटरेक्ट करते हो, वहाँ पे तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज और तुम लोग के डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। जब तुम स्टूडेंट होते हो तो वहाँ पे डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। तो पॉलीमॉर्फिज्म को हम क्या इन चीज़ों से रिलेट करते हैं? अच्छा तस्वीर में हमने सही है, हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग कोई भी पूछे ना कि भाई आपकी रियल वर्ल्ड की एग्जांपल बताए, तो तुम लोग बता सकते हो क्रिकेट की कि उसके क्या नेचर है, पॉलीमॉर्फिक नेचर है, वो क्या करती है, अपने कलर को चेंज करती है बेस्ड ऑन इट्स एनवायरनमेंट, सही है। अब मुझे ये बताओ कि अब तुम किसी एक बच्चे ने बोला था कि ओवरलोडिंग और ओवर राइडिंग होता है पॉलीमॉर्फिज्म, वो क्या चीज़ होती है? कुछ टाइप्स होती हैं, उसकी टाइप्स होती हैं। तो ओवरलोडिंग से क्या मुराद है? ओवरलोडिंग से क्या तो मुराद है? ओवरलोडिंग होती है कि एक ही नाम हो मेथड का और डिफरेंट पैरामीटर डिफरेंट हो, सही। तो मैं अच्छा तो हाँ जिस पैरामीटर से हम उसको कॉल करेंगे तो वो वाला जो है मेथड होगा वो रन होगा, राइट, बिल्कुल सही है। अच्छा चलो हम थोड़ा सा मैनुअल भी देख लेते हैं, मैं मैनुअल को हम लोग सरपास ही कर जाते हैं फिर टाइम। देखो पॉलीमॉर्फिज्म मींस एन एंटिटी बिहेविंग डिफरेंटली डिपेंडिंग अपॉन द कॉन्टेक्स्ट इट इज बीइंग यूज्ड, राइट।
इट डिपेंड्स कि हम किस कॉन्टेक्स्ट में इसको यूज कर रहे हैं, वो अपनी प्रॉपर्टीज और अपना बिहेवियर उसी के हिसाब से चेंज कर लेते हैं. इन अदर वर्ड्स पॉलीमॉर्फिज्म इज द केपेबिलिटी ऑफ एन एक्शन टू डू डिफरेंट थिंग्स बेस्ड ऑन द ऑब्जेक्ट दैट इट इज एक्टिंग अपॉन. राइट, हम जिस ऑब्जेक्ट के थ्रू उसको कॉल करेंगे उसी वही एक्शन जो है वो परफॉर्म हो जाएगा. हम कैसे करेंगे ये हम इन एक्चुअल इम्प्लीमेंट करके देखेंगे. दो टाइप के पॉलीमॉर्फिज्म होती हैं. राइट, स्टैटिक पॉलीमॉर्फिज्म होती है, डायनेमिक पॉलीमॉर्फिज्म होती है. स्टैटिक को हम क्या कहते हैं, मेथड ओवरलोडिंग. ओवरलोडिंग और ओवरराइडिंग की बात करी है तो हम उसको थोड़ा सा देख लेते हैं. ठीक है, दो चीजें हमारे पास, एक है ओवरलोडिंग है और क्या होती है हमारे पास, ओवरराइडिंग होती है. सही है, ओवरलोडिंग में क्या होता है, अभी एक स्टूडेंट ने बोला था कि हम क्या करते हैं कि सेम नेम होता है हमारा किसका भाई, सेम नेम होता है हमारा मेथड्स का. मेथड के हमारे पास क्या होता है, सेम नेम होता है, बट क्या होता है, डिफरेंट नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स कह लो, पैरामीटर्स कह लो. अच्छा मुझे एक चीज बताओ, मेथड का सिग्नेचर मैं किसे कहती हूँ? इफ आई एम टॉकिंग अबाउट एन, हाँ सिग्नेचर, व्हाट डज इट मीन? कौन मैम कह रहे हैं? उसके पैरामीटर्स. यस, मैं उसके पैरामीटर्स को कहते हैं सिग्नेचर शायद. नहीं, रुको जरा, अच्छा जस्ट गिव मी अ मिनट. अच्छा सिग्नेचर तुम कह रहे हो, पैरामीटर्स को कहते हैं. मैं जब भी बात करूँ ना, इनपुट एंड आउटपुट डेटा टाइप्स ऑफ पैरामीटर्स. अच्छा मैं जब भी बात करूँ कि मेरे पास, मैं बात कर रही हूँ कि भाई सिग्नेचर क्या होगा किसी भी मेथड का, पहले मेथड लिखते कैसे हैं, पहले हम क्या करते हैं उसकी क्या करते हैं, रिटर्न टाइप लिखते हैं. सही है, रिटर्न टाइप होती है, देन क्या करते हैं हम लोग, उसका नेम लिखते हैं जो भी मेथड है. फिर हम यहाँ पे क्या कर देते हैं, आर्ग्यूमेंट्स पास करवा देते हैं. सही है, आर्ग्यूमेंट्स पास करवा देते हैं. ये जो चीज़ है ना, दिस इज कॉल्ड पैरामीटर, सिग्नेचर, सिग्नेचर ऑफ अ मेथड. सही है, नेम, मेथड का नेम और उसके आर्ग्यूमेंट्स, नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स, ये दिस इज व्हाट वी कॉल्ड अ सिग्नेचर. अब कोई भी पूछे ना कि भाई मेथड का सिग्नेचर क्या होता है, तो हम बोलते हैं उसका नेम और उसकी आर्ग्यूमेंट्स, नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स, नंबर ऑफ इनपुट्स, नंबर ऑफ पैरामीटर्स, जो भी तुम लोग अपनी टर्मिनोलॉजी यूज करते हो हम उसको कहते हैं. अब मैं ये कह रही हूँ कि सिग्नेचर की बात हो गई हमारे पास. सही है, अब मैं ये कह रही हूँ, अभी फिलहाल ओवरराइडिंग हटा देते हैं हम. मिस, ओवरलोडिंग में जरूरी तो नहीं ना मिस कि डिफरेंट नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स हो. मिस, अगर दो मेथड्स है, दोनों में चार चार पैरामीटर्स हैं, तो उनकी डेटा टाइप्स की वजह से भी तो मिस वो डिफर कर सकते हैं ना. बिल्कुल, मैं उसी पॉइंट पे जा रही हूँ. कौन है बच्चे, किसने किया सवाल? अनस ने. चलो अभी देखो. अच्छा इसमें मैं उसी चीज पे जा रही थी, तो मेरे कहने से पहले अनस ने वो जो है अपना पॉइंट दे दिया. वेरी गुड, मैं यही इसी पॉइंट को लेके जाना चाह रही थी आपको. अच्छा यहाँ पर लिखी हुई है स्टैटिक पॉलीमॉर्फिज्म. सही है, कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, ये क्या चीज होती है ये अभी हम पढ़ेंगे. पहले मैं ओवरलोडिंग का बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ा दूँ, फिर स्टैटिक क्या होता है, कंपाइल टाइम. बिल्कुल सेम है, जिनको हम मेथड ओवरलोडिंग को हम चार नाम है इसके, ओवरलोडिंग, कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, स्टैटिक पॉलीमॉर्फिज्म और अर्ली पॉलीमॉर्फिज्म. सही है, ये सारा का सारा मैंने तुम लोगों को थ्योरी में भी हेल्प होगा यहाँ पे पूरा ड्रॉप डाउन कर दिया. सही है, ये देखो कि ये क्या कहलाता है, इसको हम क्या कहते हैं, अर्ली बाइंडिंग भी कहते हैं, स्टैटिक पॉलीमॉर्फिज्म भी कहते हैं, कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म और मेथड ओवरलोडिंग. ये इंटरव्यूज में यही पूछना है कि अर्ली बाइंडिंग बता दो, और फिर हम वहाँ बैठ के जो है ना कन्फ्यूज होते हैं. मैं बहुत कन्फ्यूज होती थी ये इन टर्मिनोलॉजीज में, इंटरव्यूज में. तो तुम लोग अपनी हैंड्स ऑन प्रैक्टिस रखना इस पर. अब इन एक्चुअल देखो, हमारे पास जब हम बात करते हैं ना सिग्नेचर डिफरेंट होने की, तो उसके अंदर हमारे पास कुछ डिफरेंट चीज़ें होती हैं. क्या क्या चीज़ें होती हैं भाई, देखो फॉर सपोज मैं रिटर्न, मैं ओवर, मैं सिग्ने, मेरे पास हम लोग क्या कहते हैं, जब हमारे पास डिफरेंट सिग्नेचर हो, जब हम कहेंगे कि मेथड जो है वो ओवरलोडेड है. क्या मतलब है, फॉर सपोज मैं ये कह रही हूँ कि मेरे पास क्या है, एक वॉइड मेथड है, इसको मैं कह रही हूँ शो. Go.
अच्छा जी सही है, ये मेरे पास क्या है, एक मेरा ये मेथड है, इसके अंदर फॉर सपोज मैंने कोई भी प्रिंटिंग स्टेटमेंट डाली है, मैं अभी प्रिंट एफ ही डाल रही हूँ, सही है, समझो ये वो सिस्टम डॉट प्रिंट आउट डॉट एल एन लगा रहा है। अब मेरे पास एक और ये मेथड है, इसके अंदर मैंने क्या करा हुआ है, कोई एक इंटीजर इनिशियलाइज करवाया हुआ है 10 से, क्या इन दोनों मेथड की सिग्नेचर डिफरेंट है या सेम है? यस क्लास, क्या इन दोनों मेथड के सिग्नेचर डिफरेंट है या सेम है? यहाँ पे मैं इसको इंटीजर कर, सेम ही है, डिफरेंट है, कैसे डिफरेंट है भाई? सेम है मिस, सेम है, एक बच्चे ने बोला डिफरेंट है, वो कौन बच्चा है, कौन, अशद ने कहा है डिफरेंट है, क्यों डिफरेंट है? मैंने तो माइक भी नहीं खोला, मैंने माइक भी नहीं खोला था, कौन था किसी ने, कौन था? देखो भाई मेथड नेम सेम है, उसके आर्गुमेंट्स भी सेम है, नल आर्गुमेंट्स है, कुछ भी आर्गुमेंट्स ही नहीं आ रहे, नो आर्गुमेंट, तो ये क्या है, ये दोनों सेम है, तो ये क्या हुआ, ये मेथड ओवरलोडिंग नहीं हुई। अच्छा अब मैं ये कह रही हूँ कि भाई ये मेरे पास एक ये मेथड है, ये क्या लेकर आ रहा है अपने पास, इंटीजर लेकर आ रहा है, इंटीजर आया लेकर आ रहा है, इसकी भी इम्प्लीमेंटेशन है। एक और मेरे पास मेथड है, वो गया शो, यस सेम है, डिफरेंट है मैम, क्यों डिफरेंट है भाई? ये देखो इसका ये क्या है, ये डेटा टाइप डिफरेंट है, सही है। अच्छा एक बात तो ये हो गई, एक और चीज मैं ये कह रही हूँ, मैं जैम बोर्ड, गूगल जैम बोर्ड खोलती हूँ ताकि उसके ऊपर हम लोग इजीली वो कर सकें, ताकि हम आगे पीछे भी जा सकें। मिस मीट में ऑप्शन आता है वैसे भी, आता है, पता नहीं भाई अब मुझे मिल नहीं रहा, थ्री डॉट्स में जाके, इसमें जाके जो तीन डॉट है ना, हां वाइट बोर्ड ओपन इन जैम सबसे टॉप पे, तू दे, अच्छा वैसे जो ना जैम बोर्ड में हमेशा से पेंट ही यूज करती हुई आई हूं, तो जो है सब हम सबको लिंक आ जाएगी, क्या मेरी टैब आ गई ना, अब तो मैं उस पर पढ़ाऊंगी तुम लोग, अब मेरी टैब आई है तब उसी में पढ़ेंगे ना, चलो जी खैर। बहरहाल पहले तो हम लोगों ने देखा है कि हम लोग क्या कह रहे हैं, हमने एक देखा है कि मेथड है, ये शो का मेथड है, सही है, ये क्या ले रहा है, एक इंटीजर आई ले रहा है, एक शो का मेथड है जो कि मुझे क्या ले रहा है, फ्लोट का एफ कर रहा है, सही है। ये दोनों तुम लोग क्या कह रहे हो, ये कोई मेरा मेथड है, ये क्या है, ये ओवरलोडिंग हो रही है, सही है, क्योंकि क्या है कि मेरे पास जो है वो सिग्नेचर जो है वो डिफरेंट है, राइट। अब एक और क्या चीज़ हो रही है हमारे पास, एक मैं ये कह रही हूँ कि मेरे पास ये शो का मेथड है, सही है, ये क्या कह रहा है कि ये इंटीजर आई ले रहा है और ये कोई फ्लोट भी ले रहा है, सही है, फ्लोट का एफ भी ले रहा है। एक और मेरे पास शो का मेथड है जो कि क्या कर रहा है, फ्लोट का एफ भी ले रहा है और इंटीजर आई भी ले रहा है, अब बताओ ये ओवरलोडिंग है या नहीं है? Yes, means overloading. कैसे है? इसमें क्या sequence अलग है ना अंदर उसकी parameter में। बिल्कुल। अभी हमने फिर क्या तीन चीजें देख ली हमने। हमारे पास जब polymorphism होता है ना, तो हम क्या करते हैं कि different number of parameters in argument list। सही है? पहले overloaded हमारे पास जब methods होता है ना, जब हमारे पास क्या होता है overloading होती है methods की। उसमें क्या करते हैं हम same name होता है और different number of arguments होते हैं। अब डिफरेंट नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स हमारे पास किस तरीके से आएंगे, अब यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर पहले मेथड के अंदर कितने आर्ग्यूमेंट्स हैं, दो आर्ग्यूमेंट्स हैं, या तो नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स ही डिफरेंट हो, सही है, डिफरेंट नंबर ऑफ पैरामीटर्स इन आर्ग्यूमेंट लिस्ट, हमारे पास क्या हो इसमें क्या इतने दो आर्ग्यूमेंट्स हैं, और ये वाला मेथड है दूसरा मेथड जो है ऐड का, वो अपने पास कितने ले रहा है आर्ग्यूमेंट्स, तीन आर्ग्यूमेंट्स ले रहा है, राइट। तो क्या है हमारे पास डिफरेंट नंबर ऑफ पैरामीटर्स है, हमने क्या मेथड बनाया, हम लोग का ऐड करवाना चाह रहे हैं कि हम लोग ने एक क्लास बनाई है, उसके अंदर हमने दो मेथड्स रखे हैं, एक ऐड का रखा है, दूसरा भी ऐड का ही रखा है, सेम नेम है तो ये ओवरलोडेड हो गया, सही है। नंबर ऑफ पैरामीटर्स क्या डिफरेंट है, हम क्या कर रहे हैं, हम दो नंबर्स पास करवाएंगे इस मेथड में और उन दोनों का जो भी सम होगा वो हम जस्ट रिटर्न करवा रहे हैं। ओवरलोडिंग रिटर्न टाइप के ऊपर नहीं होती, राइट, ओवरलोडिंग रिटर्न टाइप पे नहीं होती, सिर्फ सिग्नेचर के ऊपर होती है। आप इसको कंफ्यूज मत करना कि अगर हम लोगों ने
ये इंटरव्यू में बहुत पूछने के ओवरलोडिंग रिटर्न टाइप होती है या नहीं होती, तो आपने स्ट्रेट बोलना नहीं रिटर्न टाइप के ऊपर हमारे पास कोई ओवरलोडिंग नहीं होगी। हमने जस्ट क्या किया, मेन के अंदर गए, उस पर्टिकुलर क्लास का हमने क्या बनाया, एक इंस्टेंस क्रिएट किया और उसका कंस्ट्रक्टर कॉल करवा लिया। यहाँ पर कोई कंस्ट्रक्टर नहीं है तो कौन सा कंस्ट्रक्टर कॉल होगा भाई? कौन सा कंस्ट्रक्टर कॉल होगा भाई? मेन का। मेन का कौन सा कंस्ट्रक्टर कॉल होगा? डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल होगा क्योंकि कोई भी हमारे पास कंस्ट्रक्टर डिफाइंड ही नहीं है। फिर हमने क्या किया, हमने उस ऑब्जेक्ट के थ्रू हमने एक मेथड को कॉल करवाया और उस मेथड में हमने क्या आर्ग्यूमेंट पास कर दिए, दो आर्ग्यूमेंट पास कर दिए। तो मेथड वन कॉल होगा, मेथड टू कॉल होगा यहाँ पर इस वाली लाइन में। ये वाला हम जो हमारा फर्स्ट मेथड है जिसके दो आर्ग्यूमेंट्स हैं वो कॉल हो जाएगा। एंड देन हमने क्या करा, फिर हमने तीन आर्ग्यूमेंट्स के साथ उसको कॉल करा दिया, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, सेकंड वाला मेथड जो है वो कॉल हो जाएगा, राइट? तो इट्स क्वाइट इजी। अगर मैंने देखो टू और थ्री पास कराया तो मेरे पास रिटर्न क्या हो जाएगा, प्रिंट एलन में क्या आ जाएगा, मेरे पास प्रिंटिंग स्टेटमेंट में फाइव आ जाएगा। और फिर मैंने तीन आर्ग्यूमेंट्स पास करवाया, तीनों का सम करके वो मुझे जस्ट ऐड करके दे देगा। सही है, यहाँ तक इसमें अब ये डिफरेंट होते हैं, तीन टाइप्स के होते हैं। ओवरलोडिंग में भी तीन डिफरेंट हम लोग ओवरलोडेड करते हैं। वो कैसे करते हैं, अभी हमने सिर्फ एक टाइप पढ़ी है, डिफरेंट नंबर ऑफ पैरामीटर्स, इसको इम्प्लीमेंट करो और उसका लैब टास्क भी है वो भी करो, फिर हम नेक्स्ट उसको पढ़ जाएंगे। इसको करो इम्प्लीमेंट, बहुत छोटी सी एग्जांपल है, इसको इम्प्लीमेंट करो, देन फिर हम लैब टास्क पे जाते हैं कि लैब टास्क क्या है आज की, उसके अंदर लैब के अंदर हर उसके अंदर छोटे छोटा सा लैब टास्क डिफाइंड है। अच्छा कोई बुक पढ़ लो तुम लोग, जावा की या यूट्यूब जिंदाबाद। YouTube में ज्यादा टाइम नहीं मिल रहा है। कौन से सब्जेक्ट पढ़ रहे हो तुम लोग हैं इसके अलावा, फिर और कौन से सब्जेक्ट्स हैं? फिर DLD के असाइनमेंट सब्जेक्ट मिलेगी तो फिर हम कुछ और भी पढ़ लेंगे। DLD क्यों, DLD में क्या हो रहा है? इस कंटीन्यूअस असाइनमेंट्स ही आते हैं, मतलब लगता है ईज में ना हम वही कर रहे होंगे शीट फॉर्म की बजाय। जल्दी से करो, सुपर फास्ट उसने कर लिया है। नकी शिफ्ट हो जाओ लैब टास्क पे। हमने क्या करना है, राइट अ प्रोग्राम विच कंटेन थ्री मैथड, सही है? तीन मैथड्स होंगे ओवरलोडेड विद द सेम नेम प्रिंट प्रिंट चार, सही है? प्रिंट कैरेक्टर के नाम से हमने क्या करना है, सेम नेम बनाना है, सही है? अच्छा क्या करेंगे, फर्स्ट मैथड टेक नो आर्ग्यूमेंट एंड प्रिंट स्टैरिक ऑफ दिस, सही है? उसमें 45 स्टैरिक प्रिंट करना है इन अ सिंगल लाइन। सेकेंड मैथड में क्या करना है, टेक्स कैरेक्टर एज एन आर्ग्यूमेंट और जो भी कैरेक्टर आप एज एन आर्ग्यूमेंट देंगे वही 45 टाइम वो डिस्प्ले कर देगा। थर्ड में आपने क्या करना है कि वो कैरेक्टर भी लेगा और नंबर भी लेगा कि कितने नंबर ऑफ टाइम आपने उस पर्टिकुलर कैरेक्टर को प्रिंट करना है, सही है? समझ में आ रहा है टास्क करना क्या है? बोलने में ये भी बहुत मुश्किल है। बस एक सेकंड, क्वेश्चन की पिक्चर लेने दें। क्वेश्चन की पिक्चर क्यों? बस मैंने डाउनलोड की है। ओके मिस। अच्छा भी रेहान का भी हो गया है, मुस्कान का हो गया है, अरबीना का भी हो गया है, वेरी गुड। अरबीना, मुस्कान और रेहान शिफ्ट हो जाओ लैब टास्क वन पे, सही है? परफेक्ट।
सही है भाई, सबका सही है, गुड, वेरी गुड। अनुक्षी का भी आ गया है, सही है। लैब टास्क पे शिफ्ट होगा। अब लैब टास्क को ना ब्रेक करो। पहला सवाल क्या है इसमें, देखो आपने क्या बनाना है, एक नो आर्गुमेंट का फंक्शन बनाना है जो कि प्रिंट करेगा 45 स्टैरिक इन अ सिंगल लाइन, और इट्स ऑल अप टू यू, तुम लोग खुद से ही डाल दो या देख लो क्या कर सकते हो इस पर्टिकुलर मेथड के लिए। मैं देखना चाह रही हूँ तुम लोग की प्रोग्रामिंग स्किल्स कहाँ तक पहुँच चुकी हैं। शहरयार का भी आ गया है, शोजी का भी आ गया है, सॉरी मैंने आपको व्हाट्सएप कर दिया है, हो भी गया टास्क तुम्हारा, वाओ ओके। स्ट्रिंग क्यों लिया तुमने, मुझे ये समझ में नहीं आया। हुसैन मिस को कैरेक्टर पे कुछ एरर आ रहा था, मतलब वो पता नहीं स्ट्रिंग पे कन्वर्ट कर रहा था शायद। एरर क्या आ रहा था देखो, जाओ करो स्ट्रिंग देखो। तो मैं इसलिए कह रही हूँ कि कैरेक्टर की भी जो डेटा टाइप है ना, आप कैरेक्टर के ऊपर जाके करो, चेक करो, हो गया ना, टाइम है ना तुम्हारे पास, अब उस पर काम करो। सही है, बिल्कुल परफेक्ट कोड किया है तुमने, जबरदस्त, मजा आ गया, गुड। कैरेक्टर के ऊपर काम करो, अब तुम्हारा हो गया ना, तो उसके ऊपर मैनिपुलेशन किया करो। स्ट्रिंग कैन नॉट बी कन्वर्टेड टू चार आ रहा है, वो खोलो अपना स्क्रीन शेयर करो। अब देखो इसके अंदर कोई मुश्किल चीज नहीं थी, जैसे छोटी सी लॉजिक्स हैं। अब जो मेथड ओवरलोडिंग का मैंने कॉन्सेप्ट, मतलब ये टास्क डिजाइन किया है, बिल्कुल थोड़ा सा वो है। तुम्हारा मुझे ना फॉन्ट बिल्कुल समझ नहीं आ रहा, जूम इन हो सकता है, विजिबल ही नहीं हो रहा कैरेक्टर। अरे तुम्हें यहाँ तुम पास करा रहे हो उसको, बच्चे यहाँ से यहाँ पे भी इसको कैरेक्टर करो, और पास तुम यहाँ पे कैरेक्टर स्ट्रिंग करा रहे हो, कैरेक्टर सिंगल कोट से पास कराओ। हाँ यहाँ पे लाइन नंबर 20 कौन सी है, 38 कुछ है, दिख ही नहीं रहा मुझे, तुम्हें मैं बता रही हूँ, चला चलाओ। हो गया ना, हाँ जी लैब टास्क और किस किस का हो गया भाई? कर रहे मिस, ये वाला मैनुअल तो मेरा ही डिजाइन हुआ है, तो इसमें तुम लोग हर उसके अंदर मिलेंगे, लैब टास्क होंगे हर उसके। यासीन का भी कोड आ गया मेरे पास, सही है, गुड। अयान का किया है, अयान ने कर लिया, ओके सही है, डन। कैरेक्टर इनपुट और वो इनपुट प्रिंट हो जाएगा, परफेक्ट, सही है भाई, गुड है। ये क्या किया है तुमने, ये न्यू क्या नाम है, अयान मर्चेंट, अयान महमूद, सॉरी अयान बेटे, ये आपने ये क्या करा है, ये वाला ये क्या चीज है,
या ये तुम्हारा वो कोड ब्रेक हो गया था तुमने दोबारा भेजा है? जी मिस। अच्छा अच्छा सही है सही है बिल्कुल तुम्हारे। अच्छा तुमने ए पास करवा दिया, देखो उसमें आप ए पास करा दिया, उसमें कोई स्पेसिफिकली कोई कैरेक्टर या कुछ वैसा पास नहीं करवाया। मैंने तो वो करवाया था ना, स्पेशल कैरेक्टर दिया था इसमें। सही है गुड है। बासित का भी हो गया है। सही है परफेक्ट समझ आ गया। तुम्हें हुसैन का भी हो गया है। अच्छा हुसैन ये क्या किया भाई तुमने, ये कौन सा बच्चा है? हुसैन हुसैन जी मैम। ये देखो ये जो तुमने यहाँ पर पास करवाया ना स्क्रीन पे देखना मेरी, ये वॉइड कैरेक्टर का पास कराने का मकसद ये कि हम इसी कैरेक्टर को डिस्प्ले करवाएं। सही है। अब तुम यहाँ डैश डिस्प्ले करवा रहे हो, ये तुम जब इनपुट दोगे ना यूजर को इनपुट दोगे या इनपुट दोगे या हार्ड कोड करोगे, जो यहाँ पर कैरेक्टर आएगा एज एन इनपुट वो ही प्रिंट होगा। तो यहाँ पर एस प्रिंट करवाओ। सही मैम। सही है। और यहाँ पर भी आपने यही ब्लंडर किया है, ये वाला जो आपने जो नेक्स्ट उसमें कर रहा है, आप यहाँ पे कैरेक्टर ले रहे हैं, आपके पास कैरेक्टर आएगा, उस कैरेक्टर को कितनी दफा प्रिंट करवाना है वो आ रहा है। और आप भी कोड वही किया है वाला दिखा है ना आपको, एक और दफा चेक करें नीचे वहां पे वो सही सही हुआ इनसे। क्या मतलब? ये नीचे वाले एक और कोड मेरा तो बच्चे उसके अंदर भी आपने यही मिस्टेक करी है। ये ऐसे लेकिन ये कितनी दफा, इधर सुनो, ये कितनी दफा चलना चाहिए, इतनी जो ए पास करवाया ना तुमने जो ये इंटीजर है इतनी दफा चलना चाहिए, तो यहाँ पर 45 की जगह क्या आएगा, ए आएगा। जनरेट कोड हो गया बिल्कुल। सही है जी। यस। और बाकी के बच्चों का कोड लाया ना उसका आ गया मेरे पास। सही है वेरी गुड। मुस्कान का भी आ गया है। ओके डन है। यस शायस का कहाँ है कोड, और अफसल का कोड कहाँ है, अक्षय का, अलीशान का, अलीशा का, अरबीना, अरब कहाँ है सब? दो मिनट। करीमा, महवेश, आशिर, हमजा, बाकियों के नाम लिए वो भी भेजते हैं। कहाँ है बाकी बच्चे भेजें मुझे कोड। मैम यही इनपुट ले रही हूँ। सही है गुड है। अब हम इसमें एक मैं इसमें स्पेसिफिकेशन रख दी थी कि इनपुट लेना है, तो तुम लोगों ने क्या करना था, स्कैनर की क्लास लगानी थी, इनपुट लेके वहां पे तुमने जस्ट वो जो इनपुट आता वो पास करा देना था। रेहान का भी हो गया है कोड, और इससे पहले किसने भेजा है, शहरियार का कोड आ गया भाई, शहरियार ने भी कर लिया है, वेरी वेल डन। सही है गुड। रेहान का देख लेते हैं। सही है डन। अच्छा तुमने ये मिस्टेक करी है, ये क्या करा है भाई, ये कौन है, अशर? यस मिस। उन्होंने बातें बोले वो नहीं बुरी बातें चाहिए अशर ने जो ओके अशर ने जो है ये क्या करा है भाई, तुमने ये कौन सी लॉजिक लगा दी, कैरेक्टर्स से कब से चलने शुरू हो गया ये, प्रिंट कैरेक्टर में क्या करा है भाई, ये जो सेकंड ओवरलोडेड मेथड है तुम्हारा प्रिंट चार का, और ये तुमने क्या बनाया, कंस्ट्रक्टर पे काम हो रहा है, वाह भाई वाह, कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग शुरू कर दी तुमने। अशद का कोड सबको विजिबल है क्लास? इसने कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग शुरू कर दी या मेथड ओवरलोडिंग, तभी हम मेथड ओवरलोडिंग पढ़ रहे हैं, तुमने तो कंस्ट्रक्टर को ओवरलोड करना शुरू कर दिया। हाँ मिस कैसे? कैसे कोई मुझे बताएगा, मैं कौन सी जबान में बात कर रही हूँ, क्लास का नाम भी वही रखा है उन्होंने, और क्लास और मेथड के नेम दोनों सेम है। मेथड का नेम जब सेम, क्लास का नेम और ये मेथड का नेम सेम है, तो क्या मतलब, वो कंस्ट्रक्टर बन गया,
ये तुम्हारा कोड चल भी रहा है या नहीं चल रहा? नहीं चल रहा। ऑब्वियसली नहीं चलेगा। एक तो तुमने अगर ये तुमने मैंने तो ये चीज पकड़ी कि तुमने मेथड के नेम जो है ना कैपिटल में रखा है, और मैंने जब क्लास का नेम देखा तो माशाल्लाह तो आपने तो कंस्ट्रक्टर को ओवरलोड कर दिया है। दोबारा से कोड करो, मुझे भेजो। सही है, आफिल का भी आ गया, राइट। चलो भाई सही है, सबके कोड आ गया, मैं आगे बढ़ रही हूँ। कंस्ट्रक्टर हाँ सही है, पलक तो अब तुम लोग जो है क्रिटिकली सोचने शुरू हो गया। सही है, लैब टास्क ऑलमोस्ट सबका डन हो गया, और लैब टास्क की मैं तुम लोगों को भेज भी देती हूँ। ये इसमें अच्छा कोड करा है, जिस पर हुसैन का कोड ही भेज देती हूँ ना। सही है, तुम लोग को व्हाट्सएप भी कर देती हूँ, व्हाट्सएप कर देना। C1 हो गया, C2 हो गया। लैब टास्क के मास्क होते हैं? अभी नहीं दे रही मैं, लेकिन मैं करती हूँ, मैं अभी दूंगी किसी में, एक में भी या इसी में, या मैं रैंडम कोई अपनी तरफ से उठा के दूंगी तो उसमें देखते हैं। अच्छा, नेक्स्ट पहली चीज हमने क्या पढ़ी थी, हमने फर्स्ट इसका एक फ्लेवर पढ़ा था ओवरलोडेड का, क्या था? डिफरेंट नंबर ऑफ पैरामीटर्स इन द आर्गुमेंट लिस्ट, राइट? हमारे नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स फ्लक्चुएट कर रहे थे डिफरेंट है। एक ओवरलोडिंग किस तरीके से होती है? डिफरेंस इन डेटा टाइप ऑफ पैरामीटर्स। सही है, कि हमारे पास डेटा टाइप जो हो उसमें पैरामीटर्स की डेटा टाइप में डिफरेंट हो, लेकिन नंबर ऑफ आर्गुमेंट सेम हो। यहाँ पे भी दो नंबर ऑफ इनपुट आ रहे हैं, नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स आ रहे हैं, इस वाले के अंदर भी दो नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स आ रहे हैं सेकंड मेथड में भी, लेकिन द डिफरेंस इज रिटर्न टाइप, डेटा टाइप जो है वो डिफर कर रही है, राइट? रिटर्न टाइप हमारे पास डिफरेंट है, तो ये भी क्या होती है, ये भी क्या कहलाती है, ये भी मेथड ओवरलोडिंग की एक फॉर्म है कि हमारे पास डेटा टाइप में डिफरेंस हो। सही है, पैरामीटर नंबर ऑफ पैरामीटर सेम हो लेकिन डिफरेंट डेटा टाइप हो, तो ये भी ओवरलोडेड मैथड होते हैं। इनको भी इम्प्लीमेंट कर लो, इसमें कुछ भी नहीं किया हमने। एक मैथड क्या ले रहा है, इंटीजर ले रहा है, इंटीजर को ऐड कर रहे हैं, और एक मेथड क्या कर रहे हैं, फ्लोट को ऐड करके उनकी वैल्यूज को रिटर्न करा रहे हैं। तो हमने जो एग्जांपल नंबर वन की थी इन एक्चुअल, उसी के अंदर जस्ट चेंज हो जाएगा स्लाइड सा, और हमारे पास डेटा टाइप्स डिफरेंट हो जाएंगे। सही है, समझ में आ रहा है ना सबको? खामोश बैठो तुम लोग, ये भी ओवरलोडिंग है। बिल्कुल बेटे, ओवरलोडिंग है। देखे ना आपके इसमें क्या हो रहा है, डिफरेंस इन डेटा टाइप ऑफ पैरामीटर्स। सही है, डेटा टाइप में हमारे पास डिफरेंस आए, इसको भी हम ओवरलोडिंग कहते हैं। मैंने जैम बोर्ड पर दी तो थी इसकी एक एग्जाम्पल, ये वाली टाइप को जो है ना हम ये वाला कर रहे हैं। देखो इसमें हमारे पास नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट सेम है लेकिन डेटा टाइप डिफरेंट है। सही है, यासीन ने कर लिया है, वो उसने बिल्कुल स्लाइड्स का डिफरेंस डिफरेंट था, जासूसी कोड को उसने चेंज कर लिया है। यासीन बच्चे आप लैब टास्क पे शिफ्ट हो जाओ। क्या है लैब टास्क हमारा? क्रिएट अ क्लास नेम प्रिंट नंबर टू प्रिंट वेरियस नंबर ऑफ डिफरेंट डेटा टाइप्स बाय क्रिएटिंग डिफरेंट मैथड्स विद द सेम नेम प्रिंट एन। सही है, हमने क्या करना है, प्रिंट एन के थ्रू एक प्रिंट एन हमने बनाना है मेथड, और उसके अंदर डिफरेंट नंबर ऑफ पैरामीटर्स होने चाहिए फॉर ईच डेटा टाइप। तुम लोग तो सुपर फास्ट चल रहे हो, हुसैन जो है ना फुल सही पेस में। इसमें तो बस सारे डेटा टाइप्स एक एक करके मेंशन कर देने हैं, फ्लोट डबल ये सब कुछ। हाँ बस तुम फ्लोट या इंटीजर भी काम कर लो, जस्ट कुछ इतना खास काम नहीं है, बहुत सही है। सही है, तुम मेरे ये किस बच्चे ने किया कोड, देखो नाम ही नहीं भेज, अरबीना ने बिल्कुल कोड जो है ना, अच्छा अरबीना ने ओवरलोडेड तो सब कर रहे हैं लेकिन कॉल एक ही मेथड करवाया।
अच्छा रवीना ने बिल्कुल मेरी तरह कोड किया है, मैं भी ऐसे ही को मेरा भी कोड मिलता जुलता ही। अच्छा जी इन लोगों ने क्या करा, इसमें दो कर लिए। अच्छा मैंने जो कोड किया था वो ये किया था, देखिए तीन विजिबल है। मेरा जो कोड था ना वो मैंने ये किया था, मैंने सिंगल वो ले लिया था। आपको टास्क सेंड कर दिया है, कहाँ गया भाई? इस पे चैट बॉक्स में हुसैन का आ गया है। सही है हुसैन, मुस्कान का भी आ गया, मुस्कान का हुआ है, अहमद ने क्या किया है, एग्जाम्पल भी है, सही है परफेक्ट एडिशन। सुमित का आ गया है, सही है। आखिर ने भी मेरा वाला ही कोड किया, मैंने भी ऐसे किया था। हमने क्या करा सारी डेटा टाइप, तो सही है परफेक्ट, तुम लोग का सबका सही है। दे दूँ चाहिए इसका लैब टास्क टू का कोड, मैं दे रही हूँ भी दे। आगे बढ़े, यस आगे बढ़े या कर रहे हो अभी कोर्ट? मुस्कान कह रही है यस, एक ही बच्चा कह रहे हैं, बाकी बच्चों का नहीं हो रहा। चलो करो एक दो तीन मिनट हम वेट करते हैं आपको जब तक कोड करें। अच्छा फॉर द सेक ऑफ प्रैक्टिस, जिन स्टूडेंट के ने सब स्ट्रिंग वाले कॉन्सेप्ट से नहीं किया था ना, तो इसको वो जाकर एक दफा प्रैक्टिस जरूर करना और सब स्ट्रिंग के हवाले से सोचना, सही है कि हम किसी भी स्ट्रिंग को सब स्ट्रिंग पे कैसे तोड़ेंगे, यानी स्ट्रिंग्स के जो उनके बिल्ट इन फंक्शंस होते हैं ना, उसके जो प्री डिफाइंड फंक्शंस हैं उनको हम कैसे, उसके ऊपर हम कैसे ब्रेक करके स्ट्रिंग को हम फिर कैसे आर्गुमेंट्स के तौर पे पास कराएंगे एंड ऑल, ना वो चीज़ देख लेना जाकर। अच्छा कोई मुझे बताएगा कि हमने ओवरलोडिंग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं हम एक चीज़ एक मेथड के अंदर, कौन सा मेथड है? कंस्ट्रक्टर, कंस्ट्रक्टर में, कंस्ट्रक्टर में मैंने तो आज तक उन लोगों को ओवरलोडेड कंस्ट्रक्टर नहीं पढ़ाया भाई। एंड सिस्टम डॉट 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 प्रिंट, हां हां अहमद बोलो, सिस्टम डॉट 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 प्रिंट, प्रिंट एलन वाला, प्रिंट वाला फंक्शन जो है, कैसे अब उसको जस्टिफाई करो अपने आंसर को। क्योंकि हम प्रिंट जब आप करवाते हैं तो उसके अंदर हम इंटीजर्स भी करवा सकते हैं, स्ट्रिंग भी करवा सकते हैं, हर डिफरेंट डेटा टाइप को करवा सकते हैं। बिल्कुल। अच्छा अब ये बच्चा कह रहा है, मैंने बोला कि हम लोग ऑलरेडी हमें पता नहीं था बट हम ऑलरेडी एक चीज कर चुके हैं, ओवरलोडिंग मेथड की हम देख चुके हैं, कैसे देख चुके हैं। अब ये चीज चेक करो, अच्छा फोकस ऑन माई स्क्रीन राइट, ये देख रहे हैं आप, ये देखो ये क्या है, ये कौन सा प्रिंटलन है जो कि कोई भी आर्गुमेंट नहीं ले रहा, सही है। इसका ओवरलोडेड क्या है कि ये बूलियन अपने पास ले रहा होगा। इसका एक और ओवरलोडेड क्या है मेथड कि ये क्या कर रहा होगा, कैरेक्टर को प्रिंट कराएगा। चौथा क्या है, वो कैरेक्टर ऑफ एरेस लेगा, लाइक एरे को उठाएगा, कैरेक्टर ऑफ एरे की टाइप क्या होगी, कैरेक्टर होगी। फिर हम डबल प्रिंट करा सकते हैं, फ्लोट प्रिंट करा सकते हैं, इंटीजर प्रिंट करा सकते हैं, लॉन्ग प्रिंट करा सकते हैं, हम किस कोई भी ऑब्जेक्ट को भी प्रिंट करा सकते हैं और स्ट्रिंग को तो हम करा ही सकते हैं। तो इसके इन एक्चुअल कितने ओवरलोडेड मेथड्स हैं, 10 ओवरलोडेड मेथड्स हैं प्रिंट एलन के। हमने कभी भी बात ये नोट ही नहीं करी, मैं यहाँ पर चाहूँ तो मैं यहाँ पर 5 प्रिंट करवा दूँ, सही है, ये मुझे कोई भी एरर नहीं देता। तो ये क्या करता है कि ये हमारे पास देखता है कि इसके पास कौन सा आर्ग्यूमेंट पास हुआ, उसके अकॉर्डिंगली ये उस पर्टिकुलर मेथड को लोड कर देता है हमारे पास, सही है। ये चीज़ ये बात समझ में आ रही है जो मैंने बोली अभी, सबको बात समझ में आ गई है? क्या मतलब वन, मुझे रिपीट कर दे। अच्छा रेहान कह रहा है रिपीट कर दे। रेहान बेटे मैं ये कह रही हूँ कि जब हम लोगों ने एक मेथड है जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं वो क्या है, प्रिंट एलन का है, ये देखो मैं लगा दूँ डॉट प्रिंट चली जाती है। Just give me a minute, मैं बाल भी मिलती हूँ रेड की वाला।
अब ये देखो स्क्रीन के ऊपर मेरे पास प्रिंट एल एम के डिफरेंट मेथड्स आ रहे हैं, ये इन एक्चुअल है क्या? रेहान देखो, रेहान स्क्रीन पे देखो, ओवरलोडिंग ही है। ओवरलोडिंग है, कैसे तुम्हें पता चला कि ये ओवरलोडिंग है? सबके वो पैरामीटर्स अलग है और इसके अलावा मेथड के नेम सेम है ना, सिग्नेचर सिग्नेचर में हमारे पास डिफरेंस आ रहा है, मेथड नेम रिमेन सेम विच इज प्रिंट एल एन, बट हमारे पास डिफरेंस कहाँ आ रहा है, हमारे पास उसके मेथड के आर्ग्यूमेंट्स और नंबर ऑफ पैरामीटर्स डिफरेंट है, सही है? आप देखो इसमें सब में सिंगल वो लिया हुआ है, डेटा टाइप हम लोगों ने जब भी पढ़ी हमने बिल्कुल अभी इसी की एग्जांपल को कोट किया है एक्चुअल, सही है? प्रिंट एन वाली जो चीज़ है वो प्रिंट एल एन को ही हमने मिमिक किया एक तरह से, कैसे मिमिक किया यानी हमने इसको नकल किया, इसका कैसे किया है यहाँ पर देखो, हम लोग बूलियन के लिए भी काम कर रहे हैं, मैं बूलियन पास करा दूँ तो मेरा प्रिंट एल एन चल जाता है, मैं यहाँ पर कैरेक्टर भी पास करवा दूँ तब भी चल जाता है, अगर कैरेक्टर ऑफ एरेज भी पास करवा दूँ तब भी चल जाता है, सही है? ये बात समझ में आ गई है सबको? सही है, अब सबको बात समझ में आ रही है जी मिस। चलो आगे बढ़ते हैं, अब हम नेक्स्ट उसके ऊपर जा रहे हैं। अच्छा, अब तीसरी टाइप हमने दो टाइप पढ़ी, हमने पहला क्या पढ़ा कि नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स में डिफरेंस होगा, सही है? फिर हमने क्या पढ़ी, डेटा टाइप में डिफरेंस होगा, सही है? तीसरी चीज क्या पढ़ रहे हैं हम, सीक्वेंस ऑफ डेटा टाइप ऑफ आर्ग्यूमेंट्स, क्या होगा कि हमारे पास सीक्वेंस डिफरेंट होगा तब भी मेथड क्या होंगे हम उसको कहेंगे, जो भी हमारा मेथड है वो ओवरलोडेड है, कैसे? इस पहले वही एग्जैक्टली हम लोग एड एडिशन वाली क्लास को ही चेंज कर रहे हैं, एडिशन की क्लास को ही हम बार बार जो है ना चेंज कर रहे हैं। अब हम लोग इसमें क्या कर रहे हैं, हमने क्या किया कि इंटीजर लिया और एक फ्लोट लिया और उन दोनों को आपस में ऐड कर दिया है। नेक्स्ट मेथड के अंदर हम क्या कर रहे हैं, हम पहले फ्लोट को ले रहे हैं फिर बाद में इंटीजर को ऐड कर रहे हैं, तो क्या हो रहा है, सीक्वेंस डिफरेंट है। अगर सीक्वेंस भी डिफरेंट हो तब भी हम क्या कहते हैं कि ये मेथड जो है वो ओवरलोडेड है, सही है? सही है, बात समझ आ रही है? Yes, yes. चलो उसको इम्प्लीमेंट कर दो। अच्छा तुम लोगों को मैं कहती हूँ कि प्रैक्टिस करनी हो ना तो आज के दिन ही जाकर लैब को दोबारा रिवाइज कर लिया करो और आज के दिन ही असाइनमेंट निपटा के छोड़ दिया करो। मैं तो खैर प्रोग्रामिंग की क्लास जब होती है मैं तो ये प्रैक्टिस में रखती हूँ, जब टीचर ने पढ़ाया ताज़ा याद होता है उसी वक्त हम कवर कर लेते हैं। तुम लोग बिल्कुल लास्ट मोमेंट के लिए छोड़ दो, मेरी तो समझ से बाहर है, पता नहीं कैसे पढ़ दो तुम लोग प्रोग्रामिंग। सही है, ये मुझे भेजा एक बच्चे ने, नाम नहीं लिया है, नाम लिख के। अच्छा दर्पण है ये, सही है दर्पण, तुम्हारा कोड भी सही है। तुमने तीन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स क्यों बनाए हैं? दर्पण है हमारे पास अभी, यस दर्पण कुमार, दर्पण कुमार ही है हाँ। बेटे तीन ऑब्जेक्ट्स बनाने की जरूरत नहीं थी, एक ही ऑब्जेक्ट से हम लोग सबको कॉल भी करा सकते थे, सही है? आपकी मेमोरी अलग से कंज्यूम होगी, जल्दी जल्दी करो भाई। आज की लैब तो इजी है, कॉलम ऑफिस में तो मुझे सबसे ज्यादा इजी लगता है पिलर में से। अच्छा जी भाई, आने शुरू हो गए हैं, नकीब ने भेज दिया है मुझे, सही है? अच्छा हम मेथड ओवरलोडिंग रिटर्न टाइप पे कर सकते हैं, यस क्लास
शायद नहीं कर सकते, थ्योरी में पढ़ा था कि शायद, ये शायद का वर्ड क्यों आता है ज़हनों में, अल्लाह कौन कह रहा है कि हमने रिटर्न टाइप पे नहीं किया, तो उसके लिए कहती हूँ प्रैक्टिस करो ना इन चीजों को, तुम लोग करो देखो कि कैसे हम लोग ओवरलोडिंग रिटर्न टाइप। Yes, am I audible? Yes, miss. अच्छा मेरी जो है ना लाइट चली गई थी, तो मैं दूसरे कनेक्शन से आई हूँ। मैं क्या बात कर रही थी, तू सेंस नहीं कर दिया मेरे। हाँ मैं ये कह रही थी कि आप लोग जो सर ये कॉन्सेप्ट होते हैं ना कि रिटर्न टाइप पे है या नहीं होती, तो वो करके देखो, सेम सिग्नेचर रखो और रिटर्न टाइप डिफरेंट करके देखो, उसके ऊपर ओवरलोडिंग होती ही नहीं है, तो प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करके इन छोटे छोटे से कॉन्सेप्ट्स को देखा करो ताकि उस बिल्कुल। अच्छा किसी ने मैसेज भेजा था तो दोबारा भेज दे, नहीं कनेक्टेड ही है, सही है। चलो भाई मैं आगे बढ़ रही हूँ। अच्छा इसके ऊपर मैंने कोई लैब टास्क डिजाइन नहीं किया है, सही है, हम लोगों ने सिर्फ इसको जस्ट इसी के अंदर हमने एक एग्जाम्पल के थ्रू ही कर लिया, ये काफ़ी ईजी चीज़ भी थी। अब जो था हमारे क्लास, हमारे पास एक स्टूडेंट हैं, उन्होंने गलती से कंस्ट्रक्टर ओवरलोड कर दिया था। कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग भी होती है, सही है, हम कंस्ट्रक्टर को भी ओवरलोड कर सकते हैं, जो कि हम देख चुके हैं। हम कैसे देख चुके हैं कि हमारे पास, हम लोगों ने देखा है कि हमारे, हम लोग क्या करते हैं कि हमारे पास कितने टाइप के कंस्ट्रक्टर होते हैं, कौन बता रहे हैं मुझे? दो टाइप के होते हैं, एक कह रहा है तीन, एक कह रहा है दो। ये तादाद क्यों है बातों में? नकीब और रेहान तीन कह रहे हैं, तैयब दो कह रहे हैं। तैयब तुम्हारे पास दो कौन से हैं भाई? मिस तीन जो है वो डिफॉल्ट पैरामीटर नॉन पैरामीटर वाले। सही है, तैयब का एक गायब हो गया, मैं तैयब से पूछना चाह रही थी उसने कौन सा ड्रॉप किया। बेटा एक पैरामीटर लेस होता है, सही है, एक पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर होता है, और एक क्या होता है, तीसरा होता है नो आर्ग्यूमेंट डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर होता है, सही है। तीस चौथा भी होता है कॉपी कंस्ट्रक्टर भी कहता हूँ उसको, वो क्या होता है अभी हम पढ़ेंगे, अभी पहले हम लोग कंस्ट्रक्टर को ओवरलोड करने जा रहे हैं, सही है। जिस तरह हम लोग मेथड कंस्ट्रक्टर भी क्या है, कि स्पेशलाइज्ड फॉर्म ऑफ मेथड है ना, सही है, कंस्ट्रक्टर भी क्या है, मेथड की एक स्पेशल फॉर्म है। बस कंस्ट्रक्टर में डिफरेंस क्या होता है, कंस्ट्रक्टर का नेम इज एग्जैक्टली एज सेम ऑफ द क्लास, जैसे क्लास का नेम होता है वैसे हमारे पास कंस्ट्रक्टर का भी नेम होता है, राइट। अब हम क्या कर सकते हैं, जिस तरीके से हम मेथड को ओवरलोड कर सकते हैं, कंस्ट्रक्टर को भी हम ओवरलोड कर सकते हैं। कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ हैविंग मोर देन वन कंस्ट्रक्टर विद डिफरेंट नंबर ऑफ पैरामीटर्स, राइट, इन सच अ वे सो दैट ईच कंस्ट्रक्टर परफॉर्म अ डिफरेंट टास्क। फॉर सपोज मैं ये कहने जा रही हूँ कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग की कोई खुद से कोई एग्जाम्पल सोचो, ज्यादा मेथड यूज होता है कंस्ट्रक्टर ओवरलोड। बेटा पलक इट डिपेंड्स ऑन योर प्रॉब्लम, सही है, ये इट टोटली डिपेंड्स ऑन योर प्रॉब्लम कि आपके पास किस तरीके की प्रॉब्लम है, आप उसको कैसे डील कर रहे हो, और ये तुम्हारी लॉजिक है तुम्हारे हाथ में, तुम, मैं कहती हूँ ना तुम्हारा गेमिंग अरीना है, तुम लोग कैसे चाहो उसका गेम खेलो, तो इट्स ऑल अप टू यू कि आप अपने कंस्ट्रक्ट, आपके अपने लॉजिक में आप कंस्ट्रक्टर को ओवरलोड कर दो या मैथड, दोनों चीज़ें रैंडमली यूज होती हैं, तो इट बेसिकली डिपेंड्स कि आप लोग किस तरीके से क्या यूज करते हैं। मैं ये कह रही हूँ कोई मुझे ज़रा एग्जाम्पल बताए कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग की, कोई एग्जांपल बताओ तुम लोग खुद से।
मैम जब हम पैरामीटराइज और नॉन पैरामीटराइज दोनों कंस्ट्रक्टर बना लेते हैं क्या दिए एग्जांपल किसने दिया दोबारा दो मैम जब हम कंस्ट्रक्टर दोनों बना देते हैं पैरामीटराइज और नॉन पैरामीटराइज जब दोनों बना लेते हैं तो ओवरलोड हो जाता है कंस्ट्रक्टर तो ऐसी कौन सी हमारे पास जरूरत पेश आ रही है कि हम उसको पैरामीटराइज भी बना रहे हैं नॉन पैरामीटराइज भी बना रहे हैं जब यूजर इनपुट करे या ना करे जब इनपुट करे तो वो पैरामीटराइज कर लेगा और नहीं करेगा तो नॉन पैरामीटराइज कर लेगा बिल्कुल सही है अब देखो हम लोग क्या कर रहे हैं कि हमारे पास एक यूनिवर्सिटी की हमारे पास एक क्लास हमने बनाई हुई है सही है उसके अंदर हमने क्या लिया है दो इंस्टेंस वेरिएबल लिए हैं एक का नाम क्या है एस सी नेम सही है और हमने क्या लिखा हुआ है एक का नाम रखा हुआ है एक हमने कोई भी इसका जो है एस्टेब्लिशमेंट ईयर कि उसका नाम क्या है और उसका वो कब बनी थी सही है अब हमने क्या करा कि हमने उसको क्या करा उसका हमने कंस्ट्रक्टर डिफाइन किया उस कंस्ट्रक्टर को डिफाइन करने में ये कौन सा कंस्ट्रक्टर है भाई ये वाला कंस्ट्रक्टर कौन सा है लेकिन हमें पता ही नहीं है हमारी यूनिवर्सिटी का नाम क्या है और हम लोग इसको जेनेरिक करवाना चाह रहे हैं सही है जनरलाइज करवाना चाह रहे हैं हम लोग किसी भी यूनिवर्सिटी के लिए हम लोग इस क्लास को चलाना चाह रहे हैं तो हम फिर क्या कौन सा कंस्ट्रक्टर यूज करेंगे नॉन पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर यूज करेंगे हम यहाँ पर अपनी यूनिवर्सिटी का नाम खुद से पास करवाना चाह रहे हैं उसका एस्टेब्लिशमेंट ईयर भी खुद से पास करवाना चाह रहे हैं तो ये क्या हो गया बेसिकली हमने क्या कर दिया कंस्ट्रक्टर को ओवरलोड कर दिया सही है अब हम लोग क्या कैसे कंपाइलर के बारे में कभी तुम लोगों ने सोचा कंपाइलर कैसे आइडेंटिफाई करता है कि भाई कौन से कंस्ट्रक्टर को कॉल करना है या कौन से मेथड को कॉल करना है वो किस बेस के ऊपर डिसीजन लेता होगा यस क्लास पैरामीटर्स को देख के बिल्कुल बिल्कुल हम क्या करते हैं पैरामीटर्स को देखते हुए वो यहाँ पर अभी देखो उसने उसको कैसे पता चला कि यहाँ पर डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर नहीं होना चाहिए यहाँ पर होना चाहिए पैरामीटर लेस कंस्ट्रक्टर यहाँ पर उसको कैसे पता चला कि उसको कौन सा कंस्ट्रक्टर यूज करना है पैरामीटर लेस कंस्ट्रक्टर को कॉल करना है कैसे पता चला उसको पैरामीटर्स कोई भी पास नहीं हो रहे बिल्कुल और यहाँ पर हमें कैसे पता चला कि भाई हमें पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर को कॉल करना है जस्ट बिकॉज ऑफ इट्स पैरामीटर्स सही है तो हम लोग क्या करते हैं कंपाइलर को उसकी पैरामीटर्स की नंबर ऑफ पैरामीटर्स को देखते हुए वो आइडेंटिफाई कर लेता है मुझे किस कंस्ट्रक्टर को कॉल करना है या किस मेथड को कॉल करना है जो कि ओवरलोडेड होते हैं राइट चलो ये कंस्ट्रक्टर ओवरलोड की जरा एग्जाम्पल करो जल्दी से फिर मैं तुम लोग को एक चीज बताऊंगी छोटा सा कॉन्सेप्ट है वो भी देना ये ऐसा करो अलग से बनाने की जरूरत नहीं है ये यूनिवर्सिटी की क्लास एड वाली जो तुम्हारी क्लास थी ना उसके अंदर इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करो उसके ऊपर हैंड्स ऑन करो कि उसमें तुमने कंस्ट्रक्टर बनाना है कोई तो वो क्या कर रहे हैं या कोई भी रैंडम क्लास अपनी खुद बना लो उसके ऊपर काम करो अच्छा तुमने थ्योरी में पढ़ लिया ना पॉलीमॉर्फिज्म हो गया ना पूरा अनस मिस पढ़ ले मिस पढ़ ले आज क्लास थी या नहीं थी मिस थी क्या पढ़ा आज आप लोगों ने बच्चों कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग और ओवरराइडिंग पढ़ने की कोशिश मिस ओवरराइडिंग हम कब पढ़ेंगे आज ही पढ़ेंगे यार ओवरलोडिंग कर लूं तो ओवरराइडिंग पढ़ेंगे क्या ओवरराइडिंग 15 मिनट देखो अगर नहीं हुआ ना तो मैं ड्रैग नहीं करूंगी जल्दी में नहीं निपटाऊंगी ओवरराइडिंग जो है ना बहुत की कॉन्सेप्ट है तो वो मैं उसको नेक्स्ट लेवल पे ले जाऊंगी तुम लोग परेशान मत हो अभी जितना होगा उतना कर एक्स्ट्रा सेशन तो तुम लोग दोगे नहीं मुझे इनमें समय एक्स्ट्रा सेशन लेके बढ़ा लें इतने अच्छे तो होंगे अगर क्विज में मार्क्स अच्छे मिल जाएंगे तो मैं लेगा क्यों क्यों क्या ये क्या कोई ट्रेड ऑफ है कि क्विज में मार्क्स अच्छे मिलेंगे तो एक्स्ट्रा सेशन हमारा बस चले ना ये भी सेशन ना लेने दे आप मिस चांद रात को क्विज रख दिया इन लोगों ने किन लोगों ने डीएलडी लैब का तो हां पर रिप्लाई में आया कि रमजान में इबादत करना भी वो पढ़ाई भी इबादत है नो कमेंट देखो मैंने इसलिए पहले ले लिया पहले इबादत करवा दी तुम लोग आज इबादत कर ली तुम लोग ने क्विज करके
सही है ना मिस, असाइनमेंट की डेडलाइन अभी इसके बाद की रख रही है। हां असाइनमेंट जब पढ़ाए हो नहीं तो असाइनमेंट कहां से करोगे, जब पढ़ा देती हूं, जब असाइनमेंट नहीं होता बगैर पढ़े असाइनमेंट बड़ा कर लेना तुम लोगों ने। बातें में लग गए हो, काम करो काम। अच्छा जी ये इसने कर लिया, मैविश ने कर लिया, सही है, परफेक्ट मैविश। डीएलडी लैब एंड थ्योरी का एससी पता नहीं क्या है, नहीं एक्स्ट्रा कैसे पढ़ा। अच्छा डीएलडी में तुम लोग क्या हो पढ़ा, क्या है उसके कोर्स आउटलाइन है क्या, क्या करते हो डीएलडी? असल में मैम डीएलडी लैब का सीन ये है कि वो चार पांच असाइनमेंट सारे एक साथ ही दे देते हैं। अच्छा अभी पांच असाइनमेंट लैब 5 तक उन्होंने दिया है, सारे साथ में सबमिट किए हैं, कल रात को जमा कराए हैं पांच असाइनमेंट। हां एक बार सर ने लिए भी हैं फिजिकली, दोबारा सर ने लिए हैं। दो दो बार हमें अलग अलग करने पड़े, बूलियन अलजेब्रा और लॉजिक सिंपलीफिकेशन पढ़ते हैं। हमारे पास डीएलडी सबको समझ में आ रही है बातें, आज हम लोग ओवरलोडिंग ही करते हैं, सही है। ओवरलोडिंग के बाद हम ओवर राइडिंग पे नहीं जा रही, सही है डन। यहाँ तक समझ में आ रही है चीजें, हाँ या ना बोल दो भाई। अच्छा अच्छा मुझे एक बात बता दो, तुम लोग पढ़कर आ चुके हो ओवरलोडिंग, अब मेरा एक सवाल का जवाब है, मैं वापस जा रही हूँ, मैं कॉपी कंस्ट्रक्टर पढ़ाऊंगी लेकिन दो मिनट बाद, मैं अब वापस ऊपर आ रही हूँ, मैं यहाँ पर एक चीज छोड़कर आई हूँ ऊपर, ये कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म हम क्यों कहते हैं, मेरा सवाल ये है आप लोगों से, मेथड ओवरलोडिंग को हम कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं, स्टैटिक पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं, और हम उसको अर्ली बाइंडिंग कहते हैं, क्योंकि वो कंपाइल टाइम पे डिसाइड होता है कि कौन सा वाला मेथड जो है वो रन होगा। सही, अगर मैं तुम्हारे पास कोई ये चीज खोल के रखूं, मेरे पास ये वाला मेथड है राइट, ये वाली मेरे पास ये क्लास है, तो इसको तुम जरा बताओ यहाँ से, इसको मुझे थोड़ा सा इलैबोरेट करो कि तुम इन एक्चुअल क्या कहते हो। रेहान इसमें पहला वाला जो है सिस्टम आउट फ्रंट एंड के अंदर जो ऐड का फंक्शन कॉल हुआ है, तो 2-3 पैरामीटर पास किया हमने, तो जब वो कंपाइल हो रहा होगा तो वो ऊपर उसका कंट्रोल जाएगा जहाँ पर 2 पैरामीटर है, तो यही वाला रन होगा इस बार। सही है। और सेकंड टाइम जो दूसरी स्टेटमेंट है ऐड, जिसमें 3 हमने नंबर्स दिए हुए, सही है, तो वो वाला जो कंपाइल टाइम कह रहे हैं उसका कंट्रोल जाएगा सेकंड वाले मेथड में जो ऐड का सेकंड मेथड है, तो उसको कंपाइल टाइम क्यों कह रहे हैं, ये तो कॉलिंग बता दी तुमने, फंक्शन जो जिसको असाइन हुआ पर। जब कंपाइल जब करते हैं ना हम पहले अपने प्रोग्राम को क्या करते हैं, कंपाइल करते ही नहीं करते, पहले हम लोग सबसे पहले अपने प्रोग्राम को क्या करते हैं, कंपाइल करते हैं, तो वो कंपाइल टाइम पे डिसाइड कर लेता है ओवरलोडिंग में कि हमें कौन से मेथड को कॉल करना है एक्चुअल, सही है, कि हमारे पास जब ये वाली स्टेटमेंट आएगी तो हमने कौन से मेथड को कॉल करना है, उस वाले मेथड को कॉल करना है, कंपाइल टाइम पे कॉल बता देता है ये, सही है। और मेथड ओवरलोडिंग मेथड ओवरराइडिंग पढ़ा है तुम लोगों ने? यस मिस। क्या होता है तो पता नहीं, तो तादाद होता है तुम लोग के जवाब में, कह रहे हैं ये पढ़ा है नहीं पढ़ा, आधे बच्चे आयान कह रहा पढ़ा है, सही है भाई, क्या होता है ओवरराइडिंग, क्या होता है ओवरराइडिंग, क्या होता है ओवरराइडिंग में, एग्जिस्टिंग मेथड्स को ओवरराइड करना, उनको रीराइट करना, रिकोड करना, उसमें क्या डिफरेंट क्लासेस होता है, सिग्नेचर ऑफ द मेथड रिमेंस द सेम और इट डिफर्स इन मेथड ओवरराइडिंग, सेम। अच्छा फिर इसका मतलब ये हुआ कि सेम नेम विद द सेम इंप्लीमेंटेशन, यस मिस, सेम नेम विद द सेम इंप्लीमेंटेशन, देन इंप्लीमेंटेशन अलग होगी, इंप्लीमेंटेशन अलग होगी, इंप्लीमेंटेशन अलग होगी, सिग्नेचर अलोंग विद द डिफरेंट इंप्लीमेंटेशन राइट, सेम हमारा सिग्नेचर रिमेंस द सेम इन ओवरराइडिंग, बट हमारे पास क्या होती है उसकी इंप्लीमेंटेशन डिफर कर जाती है। मैं एक तुम लोगों के पास सवाल छोड़े जाऊंगी आज के बाद, मुझे जब इसका सवाल का जवाब चाहिए
के मेथड ओवरराइडिंग को हम रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म क्यों कहते हैं, व्हाई वी कॉल रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, इसको जरा डिटेल में और कोड के थ्रू इलैबोरेट करना है मुझे, सही है? ओके मैम। एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस मेथड यूज करते क्या मतलब, पलक क्या कहना चाह रही हो एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस में से आगे? ये मुझे अलॉन्ग विद द कोड तुमने इलैबोरेट करना है, और तुम लोगों ने इनहेरिटेंस में इज अ रिलेशनशिप पढ़ा है, is a relationship? No miss. Yes miss, yes miss. वो जो inheritance में पढ़ते हैं ना? क्या पढ़ा है? Dog is a animal. इस तरह करके वो inheritance show करते हैं ना? हाँ. Extends keyword की तरह इस्तेमाल होता है. तुम लोगों ने इज अ रिलेशनशिप में हम ये देखते हैं कि हम लोग जब ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं किसी भी क्लास का, पेरेंट क्लास का या चाइल्ड क्लास का, हम उसको इज़ा के थ्रू जस्टिफाई करते हैं कि लाइक वो इन एक्चुअल ऑब्जेक्ट बन, वो वैलिड ऑब्जेक्ट है भी या नहीं, ये चीज़ देखी है हम ऑब्जेक्ट के अंदर, जो हम लोग ऑब्जेक्ट बनाकर उसके अंदर डिफरेंट रेफरेंसेस जो है ना हम असाइन कर देते हैं, वो चीज़ देखी है तुम लोगों ने? हाँ भाई देखी भी है। अच्छा ये यस पता नहीं किसी और बात पर कहा था महवेश ने, नहीं देखी तो ये याद दिमाग में भी नहीं आएगा ना सवाल के हम देख लें खुद से या पूछ ही लें टीचर से, दो दो टीचर्स हैं, मैं बताऊंगी तो दिमागों में आएगा, बहुत की कोर कॉन्सेप्ट है एग्जाम के अंदर, पता नहीं तुम लोगों पे आएगा या नहीं, मैं तो फिर दूंगी, मैंने तो जब इनहेरिटेंस इसलिए नहीं दी कि तुम लोग शायद इज़ा रिलेशनशिप पढ़ चुके होगे खुद से या कहीं भी। अच्छा बहरहाल इज़ा रिलेशनशिप पे मुझे किसी और दिन याद दिलाना कि हम उसको देखें कैटर करेंगे, लेकिन वो बहुत की कॉन्सेप्ट है, अभी टाइम बचता तो हम 5 से 10 मिनट में उसको देख लेते हैं। अच्छा यहाँ पे बात हो गई अभी स्टैटिक पॉलीमॉर्फिज्म और ये सारी चीजें हो गई, ओवरराइडिंग को भी हमने कर दी, कॉपी कंस्ट्रक्टर, कंस्ट्रक्टर की कितनी टाइप्स हैं? 4। मैंने तुम लोगों को पहले ही बोला था कंस्ट्रक्टर 3 टाइप के होते हैं, 4 टाइप के होते हैं। पहले टाइप का क्या था भाई? डिफॉल्ट पैरामीटर, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। सेकेंड था पैरामीटर लेस, थर्ड वन इज पैरामीटराइज, एंड फोर्थ वन इज कॉपी कंस्ट्रक्टर, सही है? कॉपी कंस्ट्रक्टर क्या करता है? कॉपी कंस्ट्रक्टर इज अ कंस्ट्रक्टर व्हिच क्रिएट्स एन ऑब्जेक्ट बाय इनिशिएटिंग इट विद एन ऑब्जेक्ट ऑफ द सेम क्लास। कॉपी कंस्ट्रक्टर क्या करता है? अपने पास एज एन आर्ग्यूमेंट क्या चीज लेता है? ऑब्जेक्ट ऑफ अ पर्टिकुलर क्लास, सही है? हम क्या करते हैं? पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट एज एन आर्ग्यूमेंट गेट कर लेते हैं, सही है? तो हम उसको क्या कहते हैं? अगर कोई भी कंस्ट्रक्टर अपने पास एज एन आर्ग्यूमेंट उस पर्टिकुलर क्लास का ऑब्जेक्ट कंटेन करे तो हम उस कंस्ट्रक्टर को क्या कहते हैं? कॉपी कंस्ट्रक्टर कहते हैं। ओके सही है, समझ आ रहा है? अब इसमें क्या होता है, देखो अब हमने एक पर्टिकुलर क्लास मैंने स्टूडेंट की क्रिएट की है, इसमें क्या है मेरे पास? 2 private instance variables हैं, सही है? 2 private instance variables हैं। अब मैं क्या कर रही हूँ, मैं प्राइवेट ना भी रखूँ तो काम चलेगा, इसमें प्राइवेट किया मैम, खैर कोई बात नहीं, मेरी कोई पुरानी क्लास पड़ी होगी उसी को मैंने चेंज कर लिया, प्राइवेट करें ना करें इट डजंट मैटर, क्योंकि आपने इसके गेटर सेटर नहीं बनाए। अब हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि हम लोगों ने क्या करा कि हमने इसमें यहाँ पर क्लास से शुरू करते हैं, हमने क्या करा? इनपुट लिया, हमने क्या कहा कि भाई अपना नाम इनपुट कर दो, इनपुट हमने नाम लिया और हमने क्या लिया? एज को इनपुट लिया, सही है? अब मैंने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया स्टूडेंट की क्लास का, एसटीडी ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, माइक जिसका खुला है बच्चे बंद कर लो, सही है? हमने क्या किया कि स्टूडेंट की क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, और फिर हमने क्या करा यहाँ पर, हमने उसका कंस्ट्रक्टर को कॉल करवाया, कौन से कंस्ट्रक्टर को? जो कि अपने पास नेम और एज को लेके जा रहा है, सही है? अब हम क्लास में गए, हमने देखा कि भाई कोई इस तरह का पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर मौजूद है, यस यहाँ पर हमारे पास एक इस तरह का पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर मौजूद है, फिर हमने क्या किया, जो भी नेम और एज था उसको हमने यहाँ पर इनिशियलाइज करवा दिया, एंड देन हमने जस्ट क्या करा, उसको प्रिंट करवा दिया, कंटेंट ऑफ द ओरिजिनल ऑब्जेक्ट हमने यहाँ पर क्या करा दिया, प्रिंट करवा दिया। डिस्प्ले डेटा में क्या हो रहा है कि हमारे पास जो भी नेम है और एज है वो इन एक्चुअल जस्ट प्रिंट हो रहा है, सही? यहाँ तक तो बिल्कुल कन्वेंशनल चीज हो रही है, बिल्कुल जो हम लोग नॉर्मल रूटीन का काम करते हैं एग्जैक्टली वही हुआ है, हमने सिर्फ क्या करा, कंस्ट्रक्टर के थ्रू अपना डेटा को प्रिंट करवाया। नेक्स्ट उसमें हम क्या कर रहे हैं, हमने क्या किया, हमारा जो भी ये ऑब्जेक्ट था ना, सही है, इस ऑब्जेक्ट में बेसिकली हमारे पास नेम भी है और इस ऑब्जेक्ट में हमारे पास क्या है, एज भी है, सही है? इसका जो भी नेम और ऑब्जेक्ट है वो हमने किस में पास करवा दिया, न्यू की कंस्ट्रक्टर के अंदर, हमने दूसरा हमने कंस्ट्रक्टर कॉल करवाया उसके अंदर हमने पूरा का पूरा वो ऑब्जेक्ट पास करवा दिया, सही है?
इंस्टेड ऑफ पासिंग द सिंगल आर्ग्यूमेंट्स हम एक अलग अलग आर्ग्यूमेंट्स पास करवाएं, हमने हम मैं चाह रही हूँ मैं पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट लेके चली जाऊँ, सही है? तो मैं क्या करूंगी, मैं पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट पास करवा दूंगी। अब ये कहेगा दी, वो देखेगा कि भाई ये तो ऐसा कंस्ट्रक्ट कॉपी कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है, अब वो जाके चेक करेगा कॉपी कंस्ट्रक्टर इन एक्चुअल मेरी क्लास में मौजूद है भी या नहीं, कंपाइलर जाके चेक करेगा तो वो देखेगा हाँ भाई यहाँ पे कॉपी कंस्ट्रक्टर मौजूद है, तो वो क्या करेगा इस स्टूडेंट क्लास में जाकर इस स्टूडेंट के ऑब्जेक्ट के थ्रू उसका नेम गेट करेगा और इस स्टूडेंट के ऑब्जेक्ट के थ्रू उसकी एज गेट कर यहाँ पर उनको जस्ट इनिशियलाइज करा देगा नेम एंड एज में। और उसका हम यहाँ पे एस टी डी दें, यहाँ पे कुछ भी दे सकते हैं, यहाँ पर हम कुछ भी नाम दे सकते हैं, सही है? स्टूडेंट एस दे दो, कुछ भी नाम दे दो, क्योंकि यहाँ से आपके पास यहाँ पर जो भी वैल्यू आ रही है ना वो इसके अंदर जाकर होल्ड हो जाएगी, सही है? लेकिन हाँ, इसके अंदर जाकर आपने पहले आपको क्लास का नाम जरूर बताना पड़ेगा कि भाई ये इस पर्टिकुलर क्लास का ऑब्जेक्ट मेरे पास मैं लेकर आ रही हूँ इस कॉपी कंस्ट्रक्टर में, सही है? समझ में आया कॉपी कंस्ट्रक्टर का मकसद? और पता है हम लोग ऑब्जेक्ट को ना एज अ मेथड के अंदर मैं हम अब जब तुम रियल वर्ल्ड प्रोग्रामिंग करोगे ना, जब तुम लोग प्रोजेक्ट्स बनाओगे पूरे के पूरे ऑब्जेक्ट्स पास करवा देते, मैं तो मेरी तो हैंड ऑन प्रैक्टिस ये थी, मैं पूरा प्रोजेक्ट ऑब्जेक्ट पास करवा देती थी, फिर हम उस ऑब्जेक्ट से उठा के ना उसकी चीजें गेट कर लेते थे, एक स्पेसिफिकली अलग अलग हम चीजें पास नहीं करवा देते। एक ऐसी क्लास जो कि मेरी मेन क्लास होती थी ना, जिसमें हमारे पास ज्यादातर डेटा मैं उस क्लास के थ्रू एक्सेस कर देती थी, तो मैं अलग अलग चीजें पास नहीं कराती थी। मैं जब भी मैंने अपने प्रोफेशनल प्रोजेक्ट्स किए हैं, मैं तो मेरी भी अभी भी ये प्रैक्टिस है, मैं पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट उठा के पास करा देती हूँ, वो बहुत इजी रहता है, उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को पकड़ो, उस ऑब्जेक्ट के थ्रू पूरी पूरी क्लास की चीजों को एक्सेस कर लो, तुम्हारे पास होल्ड रहता है, डेटा का होल्ड रहता है और इजीली एक्सेसिबल भी होता है वो, और तुम्हारे पास चेंजेस जो है वो इजीली फ्लक्चुएट भी हो जाते हैं। जब तुम लोग ये प्रोजेक्ट्स करोगे ना तो ये सारी चीजें तुम लोग को समझ में आएंगी। पहले भी एग्जाम्पल मैनुअल में रखा था जो कंस्ट्रक्टर से ऑब्जेक्ट पास करवा रहा था, वो दिस के कीवर्ड के अंदर हमने किया था, मतलब दिस के कीवर्ड के अंदर हम लोगों ने क्या कराया था, दिस ऑब्जेक्ट पास करवा रहे थे, तो वो उस पर्टिकुलर क्लास का ऑब्जेक्ट जो है ना वो पास हो जाएगा। हाँ, अब जाके तुम लोग अपना मैनुअल 4 खोलना, उसके अंदर हमने दिस का कीवर्ड मैनुअल 4 में पढ़ा था, हाँ शायद लैब 4 के अंदर हमने दिस का कीवर्ड किया था, एग्जैक्टली मुझे याद नहीं, हमने 3 में किया था 4 में किया था, तो अपने मैनुअल्स देखना, उसमें जाकर देखना, दिस के कीवर्ड को देखना, वहां पर हम लोगों ने बेसिकली कंस्ट्रक्टर के में ऑब्जेक्ट पास करवाया था, लेकिन हमने वहां पे ओवरलोडिंग नहीं करी थी, सिर्फ हमने जस्ट ऑब्जेक्ट पास करवाया था, सही है? चलो इसको जल्दी से इंप्लीमेंट कर लो। अच्छा मुझे अटेंडेंस भी देते रहो साथ साथ, अलीशा अली आरे बली, आरे बली प्रेजेंट, रेहान रहीम अली, रेहान रियाज अली, अच्छा यासीन भी प्रेजेंट, हर्ष कुमार प्रेजेंट मैम, शेख फहद इलाही, अदनान वनी भी प्रेजेंट है, तैयब भी, शेख भी, यस शेख फहद इलाही, दर्पण कुमार, दर्पण ने कोड तो भेजा था, क्या हो गया अटेंडेंस नहीं देनी क्या? सागर, सागर निर्मल प्रेजेंट मिस,
निर्मल के सागर, सागर की आवाज थी शायद, निर्मल 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 सागर, सागर शुरू में तो था गायब हो गए। नकीब भी हैं, आयान भी हैं, ये देखो क्लास में एक्टिव होने का फायदा ये है कि टीचर खुद ही प्रेजेंट लगा देता है। तलहा मुश्ताक, शायद महबूब, नजर अली, प्रेजेंट मिस, प्रेजेंट मिस, मुस्कान तुम्हारी लगा दी मैंने, अरीफ, जुल्फिकार, बासित अली, जुल्फिकार, बासित प्रेजेंट है, अरीस, जुल्फिकार, अरीस, अरीस एब्सेंट, अच्छा अरीस एब्सेंट है और शेख फहद इलाही एब्सेंट है, बाकी सी टू में सब प्रेजेंट है। अच्छा जी सी वन वाले दे दो, अहमद, आखिल, हुसैन, तीनों हैं प्रेजेंट, रोहन, सानिया, अब्दुल कादिर, साद अमीन, सोले बिन हैदर, मोहम्मद सोले, अजीम हाशमी, अजीम हाशमी, हुसैन हुजैफा, अजीम हाशमी एब्सेंट, हुसैन हुजैफा, हुसैन मुनव्वर, शादाब अहमद खान, करीम, करीमा, संगीत, संगीत कुमार, संगीत कुमार एब्सेंट, अक्षय कुमार प्रेजेंट मैम, प्रेजेंट। अच्छा दो बच्चों ने प्रेजेंट बोला है, कौन सा दूसरा था? संगीत भी प्रेजेंट है, अच्छा सही है, सही है, सही है। ऋतिक, अरबीना, ऋतिक भी प्रेजेंट है, अशर नईम, आशिर, सॉरी आशिर, आशिर, प्रियंका, तहरीम, श्योति, प्रियंका का इंटरनेट इशू, हाँ उसके मैसेजेस आ रहे थे, तहरीम नकवी प्रेजेंट है, अली असगर नयानी, अली जैन नूरानी, अली असगर, अली जैन, अली असगर एब्सेंट, अली जैन एब्सेंट, शबी, शबी, आबिद रजा, आबिद रजा, अशद तो प्रेजेंट है, अब्दुल समद, अब्दुल समद इत्तेकाफ में बैठा हुआ है, बच्चे का मैसेज आ गया, महविश समीर प्रेजेंट मिस, चायान प्रेजेंट मिस, अनस शेख, अनस भी प्रेजेंट है, हमजा सिद्दीकी प्रेजेंट मिस, प्रेजेंट मिस, हमजा की पहली तो आवाज निकली है क्लास में अटेंडेंस के वक्त, शहरयार सोहेल प्रेजेंट मिस, शहरयार की पहली आवाज आई, पलक जी हैं प्रेजेंट मैम, तफा, मरियम जैदी, कुछ बच्चे तो ऐसे साइलेंट मोड में बैठते हैं कि गलती से मुझसे बात ना कर लें, अली जैन एब्सेंट है, अली असगर एब्सेंट है और अजीम हाशमी एब्सेंट है, सही है, ये तीन एब्सेंट है। कौन मैं? अजीम। तो कहाँ थे अटेंडेंस के वक्त? मैं क्लास में एक आवाज आती है तुम्हारी, सही, अली जैन और अली असगर जो है वो एब्सेंट है। अच्छा मुझे अब ये बता दो, ये हमारे पास कॉपी कंस्ट्रक्टर का भी हो गया, सिर्फ एक डायनामिक पॉलीमॉर्फिज्म है जो कि बस छोटी सी रह गई है, ये हम लोग देख लेंगे, ये हार्डली हम लोगों को, खैर इसमें भी आधा घंटे से ऊपर तो हमें चाहिए, तो हम अभी असाइनमेंट नंबर 6 को पॉज कर रहे हैं, फिर तुम लोग को ये है कि असाइनमेंट, दो असाइनमेंट एक साथ सबमिट कराने पड़ेंगे, सही है मिस, अगर एक सवाल जितना आज हमने पढ़ा है उसका सिर्फ दे दें, और ओवर राइडिंग की बाद में हम देखेंगे, लेकिन मेरा एक यार मेरे बच्चों एक सवाल है कि भाई कोर कॉन्सेप्ट है इज अ रिलेशनशिप वाला, इज अ रिलेशनशिप वाला तुम लोग देख लेना, या मुझे जरूर से याद दिलाना कि मिस हमें इज अ रिलेशन करा दें, या तुम लोग अपनी क्या नाम है थ्योरी टीचर से भी कंसल्ट कर सकते हो, उनसे भी कंसल्ट कर सकते हो, उनसे पढ़ सकते हो, बहुत कोर कॉन्सेप्ट है, और जब मैं दूंगी भी, मैं क्विज में भी दूंगी वो चीज़, और मैं फाइनल के अंदर भी दूंगी, तो एज अ रिलेशनशिप या मुझे याद दिला देना या खुद से कर लेना, इतना अच्छे हो तो सेल्फ स्टडी कर लेना, लेकिन फिर अपने ऊपर तुम लोग रखना, ये यहाँ का सी आर कौन था, हमजा था ना, हमजा हमजा ही है ना सी आर तुम लोग का,
टी का यस मिस हाँ हमजा की आवाज नहीं निकल ली ना इसलिए बोली हमजा बेटा आपने याद दिलाना या आप लोगों में से क्या कौन सा ऑप्शन बेटर है क्या क्या करना है भाई इधर रिलेशनशिप कैसे पढ़ना है जवाब ही नहीं आ देखते तुम लोग पढ़ना ही नहीं यानी क्विज में रोना है बैठ के मिस वैसे पढ़ाया था मिस ने मिस हम रिवीजन के लिए बोल रहे हैं आपको भी उनको भी सबको एक्स्ट्रा क्लास ऑफ नो मैं एक्स्ट्रा दूंगा तो एक्स्ट्रा तो अभी मैं नहीं रखूंगी रमजानों में इसके बाद अगर देख मुझे तुम लोग का रिस्पांस इतना ठंडा मिलता है मुझे दिल ही नहीं करता एक्स्ट्रा क्लासेस ये क्लास लेने में तुम लोग इतने मसले मसाइल हो रहे हैं तो एक्स्ट्रा क्लास माशाल्लाह ले ही ना लो तो मैं आफ्टर ईद जो 3 घंटे की लैब होगी ना उसके अंदर हम लोग ये सारी चीजें कंपनसेट करेंगे और मैं तुम लोग को जरा एक वो बता दूँ रफली सा फिर तुम लोग जा सकते हो उसका सुन लो प्रोजेक्ट का डेडलाइन कब होगी मैं यहाँ से तुम्हें कैलेंडर से बता देती हूँ इसके लास्ट से मैं आ रही हूँ ये जो है इसके अंदर बहुत ज़्यादा चीज़ें रखी हुई हैं सही है ये वाले जो वीक्स हैं ये होंगे ही नहीं तुम लोग का जो ये 28 जून till 4 जुलाई है ना इसके अंदर फाइनल एग्जाम होगा राइट फाइनल एग्जाम इस वीक में होगा 21 जून से लेकर 27 जून तक तुम लोग का जो होगा फाइनल वाइवा होगा प्रोजेक्ट का सही है सॉरी सबमिशन भी इन्हीं दिन हो जाएगी मैं वही बताने वाली हूँ कि आपकी जो सबमिशन होगी ना वो 19 जून होगी सही है 19 जून प्रोजेक्ट की सबमिशन होगी और तुम लोग का यहाँ पे मैंने वो भी देख लिया मैं तुम लोग के डेज बता दूंगी C1 और C2 को मैं स्प्लिट करके वाइवा लूंगी सही है क्योंकि एक दिन में पूरा वाइवा नहीं निकलेगा तुम लोग 54 बच्चों एक 3 घंटे में वाइवा नहीं ले पाऊंगी सबका तो जैसे हम लोग बिल्कुल एग्जैक्टली अगर देखो भाई इट डिपेंड्स कि अगर फिजिकल चलेगा हम तो फिजिकल होगा वरना अगर ऑनलाइन गया तो हमारे सेमेस्टर को हम ऑनलाइन ले लेंगे लेकिन मैं तुम लोग को ब्रेक करके लूंगी जैसा मंडे और उसको लेती थी ना मैं मंडे को तुम लोग एक्स्ट्रा वो ऑनलाइन वाली लैब करती थी और थर्सडे को हमारी फिजिकल होती थी इसी तरह मैं करूंगी C1 का हम लोग मंडे ले लेंगे या C2 को मंडे ले जाऊंगी और थर्सडे को हम लोग C1 या C2 को इस तरह हम कर लेंगे मिक्स करके कर लेंगे तो मैं अनाउंस कर दूंगी तो ये यहाँ पर ये आपका फाइनल एग्जाम हो गया 28 to 4 जुलाई में जब भी थर्सडे पड़ेगा मेरे ख्याल से 2nd of वो पड़ रहा है जुलाई में तुम लोग देख लेना कि तुम लोग का एग्जाम कब होगा जो भी होगा ये देखो हाँ 1st जुलाई को तुम्हारा एग्जाम होगा लैब का सही है और इसी तरह इस वीक के अंदर हमारे प्रोजेक्ट की वाइवा होगा और ये जो 14 जून till 20 जून है ना इसके अंदर मैं तुम लोग का मॉकअप इंटरव्यू लूंगी 10 नंबर का इंटरव्यू होगा वो 3 घंटे के अंदर क्लास में ही होगा इंटरव्यू होगा यस इंटरव्यू होगा उसमें पैनल बैठेगा पैनल इन अ सेंस कि और टीचर्स भी मेरे साथ होंगी मैं अकेले इंटरव्यू नहीं लूंगी क्विज होगा लेकिन ये मार्किंग मेरे हाथ में होगी डेफिनेटली तो 2 टीचर मेरे साथ और होंगी जो वो ऑन एंड ऑफ मेरे मुझे ज्वाइन करती रहेंगी और वो आप लोगों के इंटरव्यू के पैनल का इंटरव्यू देने जाते हो तो एक बंदा तो नहीं बैठता ना दो से तीन इंटरव्यू पैनल में होता है तो आपका यहाँ पर 14 जून till 20 जून के अंदर जो भी थर्सडे आएगा उसमें 3 घंटे में आप लोगों का मॉकअप इंटरव्यू होगा वो इन एक्चुअल एक वाइवा होगा वो जो के मस्ट है उसमें सबको अपेयर होना है जो नहीं होगा उसको स्ट्रेट 0 मिलेगा सही है और बाकी बची ये लैब आपकी फिर 1 2 3 4 5 लैब हमारे पास बची हैं तो इन 5 लैब्स को हम मैक्सिमाइज करेंगे और हम लोग उसके अंदर जो भी हमारा रह गया कॉन्टेंट हम इनशाला इनके अंदर कवर करेंगे राइट एनी क्वेश्चन वाइवा क्या मैम प्रोजेक्ट का होगा वाइवा